नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत में कौन सा राज्य पानी की कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने के समाधान के रूप में जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जल बजट उचित जल उपयोग और बर्बादी से बचने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक विशेष क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और खपत पर डेटा प्रदान करता है। केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक जल बजट की घोषणा करने के साथ साथ पश्चिमी घाटों में सिंचाई नेटवर्क के पुनर्वास के लिए इनी नजन ओजुकाते परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया था। इनी नजन ओजुकाते परियोजना से राज्य में पहले ही सैकड़ों जल निकायों की रिकवरी हो चुकी है और इसके तीसरे चरण में 230 ग्राम पंचायतों में जल निकायों की स्थिति का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए किन संस्थाओं या संगठनों को काम सौंपा गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ऑप्शन बी पशुपालन और डेयरी विभाग, ऑप्शन सी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों, ऑप्शन डी केवल नगर निगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियम 2001 का अधिक्रमण करता है। नियम कुत्तों के स्थानांतरण पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। नियमानुसार आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतें जिम्मेदार हैं। नगर निगमों को नियमानुसार संयुक्त रूप से एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज प्रोग्राम को लागू करना अनिवार्य है। यह नियम कुत्तों को स्थानांतरित किए बिना मानव और आवारा कुत्तों के संघर्ष से निपटने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। PTPNER योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन है आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना, ऑप्शन बी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी क्वांटम अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना। PTPNER योजना का पूरा नाम प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजाति उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। यह पूर्वोत्तर राज्यों से जनजाति उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन में दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। PTPNER योजना पूरी तरह से भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत वित्त पोषित है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 143 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य आते हैं। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। निम्न में से किस मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना, मतलब संगठन से समृद्धि लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संगठन से समृद्धि राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसका विजन है आजीविका में सुधार के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक महिला का स्वयं सहायता समूह में शामिल होना।
इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो लक्ष्य है SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होने और लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिवारों के 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना। इस अभियान की अवधि है 30 जून 2023 तक और इसके अपेक्षित जो परिणाम है विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 1.1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देना इस अभियान में शामिल है। हाल ही में जेमीथंग में प्रमुख बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। जेमीथंग भारत के अरुणाचल प्रांत के तवांग जिले में स्थित एक बस्ती है जहां हाल ही में प्रमुख बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जेमीथंग ने नालंदा बौद्ध परंपरा की भारतीय हिमालयी परिषद द्वारा पूरे भारत के 600 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक प्रमुख बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की। 1959 में चीन के कब्जे वाले तिब्बत से उड़ान भरने के दौरान 14वें दलाई लामा का पहला पड़ाव तवांग जिले का जेमीथंग था। जेमीथंग अंतिम भारतीय सीमा है जहां दलाई लामा ने 1959 में भारत में प्रवेश किया था। यह तवांग से लगभग 96 किलोमीटर दूर भूटान और तिब्बत की सीमा पर न्यामजंग चू नदी के तट पर एक गांव है। जेमीथंग का अर्थ है रेत की घाटी और इसके लोगों को पंग चेनपा कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे लोग जिन्होंने पाप छोड़ दिया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पहले की तरह कुल 5 प्रश्नों को देखा। आशा है कि आपने इन 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें यह जरूर बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट सफल रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।